हेलो क्लास सेवेंथ, मैं रोहित। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की, और हम लोगों ने उसके जो वर्डिंग्स हैं जो लीगल लैंग्वेज में टेक्निकल लैंग्वेज में हैं उनको हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और जो पहला पॉइंट था वो था इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन स्टेट। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि सोशलिस्ट स्टेट क्या होता है। तो आज का नंबर क्या है, द सेक्युलर स्टेट। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इसका मतलब क्या है कि आप सऊदी अरेबिया में केवल एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, दूसरे रिलीजन को फॉलो करना वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो एक ही रिलीजन को प्रमोट करते हैं और वही सबको मानना पड़ता है, या दूसरे जो लोग रहते हैं दूसरे रिलीजन के उनको उतने इक्वल राइट्स नहीं मिलते, या उनको अपने पूजा करने का वर्शिप करने का फ्रीडम नहीं होता। लेकिन भारत एक सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब ये है कि धर्म निरपेक्ष देश है, कि यहाँ पे सभी को अपना धर्म, अपनी तरह से पूजा पद्धतियां, जो उनके धार्मिक अनुष्ठान है वो सब वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी रिलीजियस चीजें दूसरे को डिस्टर्ब ना करें तो वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है। तो हमारे देश में हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। वैसे देखा जाए तो मेजोरिटी किसकी है, एक हिंदू रिलीजन की है, हिंदू धर्म की है, लेकिन तो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स ने भारत को एक धर्म निरपेक्ष देश बनाने के लिए, सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए ये कहा कि यहाँ पे सभी धर्मों का बराबर से सम्मान होगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध हो। तो यानी किसी भी उससे आप आते हैं, आपको इंडिया में रिलीजन का कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी रिलीजन के बेस पे तो भेदभाव नहीं होगा, ये सेकुलर स्टेट का मतलब है। अब देखिए आपके इस पैराग्राफ पे लिखा क्या है, द प्रेम्बल स्टेट स्टेट्स सेकुलरिज्म एज वन ऑफ आवर गोल्स। इन अ सेकुलर स्टेट ऑल रिलीजन्स आर कंसीडर्ड एज इक्वल, नो रिलीजन इज कंसीडर्ड टू बी द स्टेट रिलीजन, सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यही हमारे देश में किसी तरह का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इंडिया को सेकुलर स्टेट कहते हैं। किसी को नौकरी उसका धर्म देख के नहीं मिलती, उसकी क्वालिफिकेशन और बाकी चीजें देख के मिलती है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं सर रिजर्वेशन तो होता है, लेकिन वो रिलीजियस की बेस पे नहीं है, रिलीजियस बेसिस पे नहीं है, वो रिलीजन के बेस पे नहीं है, वो किसके बेस पे है, वो उनके कि वो थोड़ा पिछड़े रह गए हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी, इस वजह से दिया जा रहा है, यानी उनके सोशल अपलिफ्टमेंट करने के लिए वो दिया जा रहा है। लेकिन रिलीजियस बेस रिजर्वेशन अभी कंट्री में नहीं है और ना होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। आगे देखते हैं क्या, अब यहाँ पे कुछ बात बता रहे हैं, डू यू नो बॉक्स, थोड़ा रिफ्रेशमेंट दे देते हैं बुक वाले भी, ये पढ़ते चले जाओ, चलो कुछ नई बात बताते हैं। देखो नई बात क्या है, वी हैव एंडेवर्ड टू प्रिजर्व द मल्टी रिलीजियस नेचर ऑफ सोसाइटी, वी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट्स गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन एन अनरिस्ट्रेंड मैनर, द सेम इज ट्रू ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एज वेल, वेर एवर वी सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल वी आर रिक्वायर्ड टू बी कंसर्न अबाउट पब्लिक क्लीनिनेस, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ये तो हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि हमारी कोई भी रिलीजियस, चाहे मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन से आता हूँ या इससे आता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कुछ करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल कुछ भी करते हैं तो आप ये ध्यान रखें पब्लिक क्लीनेस, हेल्थ और एनवायरमेंट का। इसका ये मतलब नहीं कि अपनी रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे आप दूसरों को परेशान करें, ठीक है, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। अब यहाँ पे कुछ और एक बात बता रहे हैं, डिस्कस करिए, रीड व्हाट दीपा हैज रिटन ऑन द टॉपिक माय फैमिली। अब दीपा बता रही है कि भाई देखो मेरी मेरी फैमिली में डेमोक्रेसी नाम की चीज है कि नहीं है, देखते हैं क्या है दीपा की कहानी। तो दीपा ने कुछ लिखा है माय फैमिली के ऊपर, डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली इम्प्लाई इलेक्शंस, डेमोक्रेसी केवल इलेक्शन से नहीं करती, माय पेरेंट्स डू ऑल हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, मेरे माँ बाप सारे घर का काम साथ में करते हैं, वी ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, हम भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वी इंश्योर दैट वी टॉक अकॉर्डिंगली,
विद ईच अदर, हम एक दूसरे से सही से बात करें, सो कॉर्डियली माने अच्छे से बात करें. इवन इफ वी हैवन इफ सॉरी इवन इफ वी हैपन टू फाइट, वी ट्राई टू लिसन टू ईच अदर्स व्यू बाय स्टॉपिंग द फाइट एज सून एज पॉसिबल. ये वो वाली फाइट नहीं डिशम डिशम हो रही है, ये डिबेट हो रही है, घर में कुछ बहस हो रही है, इस तरह का कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है, हॉट टॉक हो रही है, लेकिन उसमें भी एक दूसरे की बात को ही सुनते हैं. इफ एनी चेंजेस हैव टू बी मेड इवन द ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसल्टेड, अगर कोई डिसीजन लेना है तो हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स को भी कंसल्ट, उनकी भी कंसल्ट लेते हैं और सबको कन्विंस करते हैं कि भाई ये काम घर में होना है. अब वो एग्जाम्पल दे रही है, अनुजा वांट्स टू टेक अप एग्रीकल्चरल रिसर्च एज अ कैरियर, हर डिसीजन वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी. अब जैसे हमारे घर में अनुजा है, पूजा की जो शायद बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, तो उसने कहा कि मुझे कैरियर बनाना है एग्रीकल्चर में, रिसर्च पे जाना है, सबने दे दिया. तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट डीपा हाउस फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक वे, जब एक दूसरे की बात सुनते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, तो डेमोक्रेसी है. विच फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी फाउंड इन दिस स्पेसेस, तो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सब इसी में तो आ रहा है. अब अगला पॉइंट है डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है. डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब डेमोक्रेसी द सॉवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन एंड ड्राज अ पॉलिसीज इन कीपिंग विद द पीपल विशेस, यानी जो असली पावर है किसके पास है, असली पावर है लोगों के पास. लोग पसंद नहीं करते रूलर को, हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. तो डेमोक्रेसी लोगों ने ही बनाई, लोगों की ही है और लोगों के द्वारा ही चलती है. गवर्नमेंट हैज टू टेक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सोशल एंड अदर डिसीजन टू प्रमोट कॉमन वेलफेयर. ऑल द पीपल आर नॉट एबल टू कम टूगेदर एंड टेक सच डिसीजन ऑन डे टू डे बेसिस, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में, एमपी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए भेजते हैं, तो स्टेट असेंबली में गए एमएलए और सेंट्रल में गए एमपी गए, और वो हमारे ये सारे डिसीजन देखते हैं, करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन. देयरफॉर इलेक्शंस वोटर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स सिट इन द इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. They take decisions for the entire population as per the procedure laid down by the constitution. तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, क्यों है, क्योंकि हमारे पास अपने लीडर्स को चेंज करने की ताकत है, यानी वोट की पावर है. वन वोट वन वैल्यू वन नेशन. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि इंडिया का जो प्रीएम्बल है उसकी जो सबसे पहली मेन बात है वो है India is a sovereign state, India is a socialist state, India is a secular state, India is a democratic country. अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? What do you understand by sovereign state? What is the meaning of socialist state? How can you say that India is a secular state? अब यही मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ यहीं से. होमवर्क क्या है? How can you say that India is a secular state? आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? तो उसके लिए आपको ये पॉइंट लिखने होंगे और आंसर इसी पैराग्राफ में है. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, क्वेश्चन डाल. ठीक है, आंसर आपको यहां से पैराग्राफ से मिल जाएगा. फिर अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि डेमोक्रेसी के ऊपर अब्राहम लिंकन का क्या स्टेटमेंट है, उसको लिखिए. डेमोक्रेसी Of the people, for the people, by the people, ऐसे करके है. मैं आपको दिखा भी देता हूँ गूगल से. आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको आ जाएगा that अब्राहम लिंकन का फेमस कोटेशन है that government of the people. यहाँ पे कहीं कि democratic भी लिखा होता है, democratic government. तो democracy में ही ये possible है और बिना democracy में possible ही नहीं है statement. तो यहाँ पे democratic word आना चाहिए और कई जगह लिखा भी होता है, नहीं आपको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है
गवर्नमेंट होती है ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये अब्राहम लिंकन का आपको फेमस कोटेशन लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, डेमोक्रेसी दो से मिलके बना है, या थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हैं। तो ये बना है डेमोक्रेटिका से, डेमो का ग्रीक भाषा में डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटो का मतलब होता है रूल। तो जब डेमोक्रेटिया मिल जाएगा तो बन जाएगा पीपल्स रूल, ठीक है। सो डेमोक्रेसी कैसे बना, ग्रीक वर्ड से बना है और उसमें दो वर्ड्स है, डेमोस एंड क्रोटोस। डेमोस का मतलब पीपल, क्रेटोस का मतलब रूल। सो डेमोक्रेटिया ये वर्ड दोनों मिला के, डेमोस और क्रेटोस मिला के वर्ड क्या बनेगा, डेमोक्रेटिया। और डेमोक्रेटिया से बना इंग्लिश का वर्ड डेमोक्रेसी, और इसका मतलब क्या है, पीपल्स रूल, ठीक है, लोगों का अपना खुद का शासन। तो आपको बस इतना ही काम करना है, अब्राहम लिंकन का फेमस कोटेशन लिखना है डेमोक्रेसी के बारे में जो मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और दूसरा क्या लिखना है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, एक किन दो शब्दों से मिलकर बना है। और एक आपको क्या करना है, एक आपको करना है हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। बस इतना ही आपको होमवर्क करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो बाय।